शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिल गया? हाँ, क्रिप्टन मिल गया। चलो गाड़ी में बैठ। आज के मुख्य समाचारों में, रिसर्च सेंटर से चुराए हुए क्रिप्टन का कुछ पता नहीं। नेता राम गोपाल वर्मा कल अलोका भवन में हो रही मीटिंग को स्थगित करने को तैयार नहीं, हमारे संवाददाताओं से उन्होंने कहा। हम मानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, मगर हम अलोका भवन की सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बल मिलेगा। मैं इस देश के उन गद्दारों को बता देना चाहता हूँ कि भारत के सपूत मौत से नहीं डरते। तुम एक राम गोपाल को मारोगे तो भारत माँ यहाँ की मिट्टी के कण कण से लाखों पैदा करेगी। मैं इस देश की सभी पार्टियों की नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो सभा में पहुंचकर इन समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी, आपने अपने मरने की जगह अच्छी चुनी है। अलोका भवन। कर्नल साहब, यह सुनील, विकास का दोस्त। क्रिप्टन कहाँ है? विकास कहाँ है? चिकारा से सवाल मत करो, क्रिप्टन कहाँ है? मिल गया। प्रोफेसर, यस सर। इसे जल्दी बॉम्ब में फिट करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ। सुनील, हम दोनों तो फंस ही गए थे, मगर तुम दोनों को जानबूझकर मौत के मुंह में आने की क्या जरूरत थी? क्यों, इसी को दोस्ती कहते हैं? विकास, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हमें अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कर्नल चिकारा हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है इसे। और तो और, वो नेताजी राम गोपाल वर्मा को भी मारना चाहता है। अगर उसने बॉम्ब बना लिया तो हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा। दो बॉम्ब तो उसने बना लिया है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, और उसके इस पाप के काम में कहीं ना कहीं मैं शामिल हूं। भले तुम दोनों को बचाने के लिए ही, मगर क्रिप्टन तो मैं ही ले आया ना। मगर सुनील, और हम कर भी क्या सकते थे? लगता है अब इस देश में वही होगा जो कर्नल चिकारा चाहेगा। ओके एज यू विश। हमारे विदेशी मेहमान इंडिया आ रहे, मगर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लेने कौन जाएगा? इसमें क्या प्रॉब्लम सर, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, नेताजी राम गोपाल वर्मा का कत्ल का उन पर शक न हो, इसीलिए वो ऐसे आदमी के साथ आना चाहते हैं जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड ना हो। बैठिए सर। सर, हमने अलोका भवन में बम फिट कर दिया है। नेताजी अलोका भवन में 4 बजे मीटिंग लेने आ रहे हैं, और हमने टाइमर पे
4:30 बजे का टाइम फिक्स किया है। यस सर, ठीक 4:30 बजे ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा धमाका होगा कि सारे नेताओं की लाशें भी नजर नहीं आएंगी। वेरी गुड। सरकार ने मुझे नौकरी दी है नेताजी की रक्षा करने की, और मैं उन्हें मौत के मुंह में डाल रहा हूँ, तो मेरा इनाम? इनाम? सर आपने कुछ सोचा वो लोग कैसे आएंगे? वो दोनों लड़कों को भेज दो, जब तक वो लड़कियां हमारे कब्जे में है वो हमसे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते। यार विकास कुछ सोच है, कुछ आइडिया सोच, जिससे मंत्री जी बच जाए, देश भी बच जाए और हम सब बच जाए। मगर वो चिकारा पकड़ा है। सुनील मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बोल। फॉरेन से जो लोग आए हैं अगर हम उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें तो पुलिस को यकीन आ जाएगा कि हम उनके साथ हैं और वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन यार अगर वो फॉरेनर्स अड्डे पर पहुंचे ही नहीं तो? अरे फॉरेनर्स पहुंचेंगे, मगर नकली। अब बस तू दुआ कर कि मेरा वो बापू मिल जाए। यार क्या कर रहे हो यार? कम तुम गिरा मैं इसको तुम बच छोड़ दो मार फार के बंदा ने बीट इट। वो आपको कह रहे हैं कि शट अप। आई गॉट टू ट्रीट यू बट इसलिए कि आपका फौज गद्दारों से भरा हुआ है और हम आपसे डील नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। गद्दार और चिकारा की फौज में ये नहीं हो सकता। मेरे सिपाही तो मेरी आवाज पे जान दे देते। बीट इट, ओ ये कह रहे हैं कि आपने जो लड़के भेजे थे वो गद्दार थे। वो ये समझते थे कि हमको हिंदी नहीं मालूम, इसलिए वो कह रहे थे कि हमको यहाँ पहुँचाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने सोच समझ के गोली से उनको उड़ा दिया। अच्छा किया आपने उन्हें मार दिया, लेकिन आप ही ने तो कहा कि ऐसे आदमी को भेजना जिसका पुलिस रिकॉर्ड ना हो। अपने सिपाहियों के वफादारी के वजह से ही चिकारा कामयाब है, और देखना एक दिन चिकारा राज करेगा। इनका पूरा थल्ला भल्ला कर रहा है। ये कह रहे हैं ठीक है। अब बताइए कैसी लगी हमारी ये लेबोरेटरी? वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सामान उनके घर में बेकार पड़ा हुआ है। इनके पास होगा ही, मगर हमारे पास भी कुछ कम नहीं। आइए मैं आपको बता दूं, द वर्ल्ड ऑफ कर्नल चिकारा।